जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के घर छापेमारी। सीबीआई की तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ। आरजेडी सुप्रीमो ने बीजेपी की साजिश दिया करार। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के जेईई के दाखिलों और काउंसलिंग पर लगाई रोक। केमिस्ट्री और गणित के पेपर में ग्रेस अंक देने का मामला। मामले में 10 जुलाई को होगी सुनवाई। लगातार हो रही भारी बारिश से बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नदी के बढ़ते जलस्तर से मिट्टी का कटान जारी। टीआरएन कंपनी के मजदूरों ने की हड़ताल। मजदूरों ने कंपनी पर 6 महीने से वेतन न देने का लगाया आरोप। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। और यूपी की तरह हरियाणा में भी मंचलों पर शिकंजा कसने की तैयारी। ऑपरेशन दुर्गा के तहत मंचलों पर हुई कार्रवाई। रोड पर मस्ती करने वालों के काटे गए चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनत अंसारी। यूं तो आपने एटीएम हैकर्स और एटीएम से पैसे चोरी होने की खबरें बहुत सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार नेशन लाइव आपने दर्शकों के लिए एटीएम से पैसे चोरी करने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से एटीएम को खोलकर उससे पैसे निकाल रहा है। ये जानकर और भी ज्यादा हैरत होगी कि जब नेशन लाइव की टीम ने इस वीडियो के पीछे छिपे सच की पड़ताल की तो पता चला कि कैमरे में कैद ये व्यक्ति कानपुर की चकेरी थाना अंतर्गत अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है, जो कि लोगों के एटीएम लेकर एटीएम मशीनों से लाखों रुपयों की चोरी कर बैंकों को चूना लगाते रहते हैं। तो एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख सकते हैं नेशन लाइव पर, एटीएम खोलकर निकाल रहा है आरोपी पैसे। किस तरह से ये शातिर आरोपी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है देख सकते हैं आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ नेशन लाइव पर। एटीएम खोलकर निकाले जा रहे हैं पैसे। एटीएम चोरी मामले में एक और चौंकाने वाली तस्वीर। एटीएम से चोरी के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई चोरी की घटनाएं भी अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन किस तरह से आरोपी शातिर अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं ये दिखा रहे हैं हम आपको इन तस्वीरों के जरिए। इस वायरल वीडियो को जब थाना क्षेत्र चकेरी की पुलिस ने देखा तो ये दोनों अर्जुन सिंह और अर्जुन पोरवाल नाम से चिन्हित हो गए, जो थाना क्षेत्र चकेरी के रहने वाले थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से कई एटीएम बरामद हुए और फिर ये वीडियो को ध्यान में रखते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेज दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आरोपी जो है बेहद शातिर हैं और बेहद शातिराना तरीके से एटीएम से चोरी की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे थे, तो अब तक पुलिस के हाथ क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कहां कहां और कितनी वारदात को ये आरोपी अंजाम दे चुके हैं? सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जो दोनों अपराधी जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत रहने वाले हैं और विगत कई वर्षों से ये इस तरह का अपराध करते चले आ रहे हैं, कुछ जनपद के अंदर और कुछ जनपद के बाहर। क्षेत्रीय पुलिस को इस बात की सूचना तब हुई जब ये वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इस बारे में पुलिस की भी नजर कहीं ना कहीं थी, क्योंकि एटीएम चोरों का वाकया अभी नहीं सामने आया है। काफी समय से एटीएम चोरों का मामला सामने आता चला जा रहा है, पुलिस धीरे धीरे करके अपराधियों को उठाती चली जा रही है, लेकिन उन्हीं से जुड़ी हुई एक चैन की कड़ी इन अपराधियों से भी देखने को मिल रही है, जहां पर इन्होंने ये एटीएम में अंदर घुस करके इस प्रकार से एटीएम खोल करके धीरे धीरे करके लगभग 10 से 12 जी सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे घटनाक्रम का जो है खुलासा हो पाया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कितने लोगों पर शिकंजा कसे जाने की संभावना जताई जा रही है? दूसरा ये कि आरोपियों के पास से पुलिस ने कोई अब तक चोरी का सामान, जो एटीएम से चोरी किए गए पैसे थे, वो रकम बरामद की है? जी बिल्कुल कहना, क्योंकि ये जो अपराधी हैं, जैसे पुलिस के संज्ञान में आया कि ये हमारे ही थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं, पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनके पास से कुछ एटीएम और कुछ रुपए भी बरामद किए। साथ ही जब पूछताछ करी गई तो ये भी पता चला कि ये टीम जो है इनका, ये पूरी सरगना की टीम है और लगभग 15 से 20 लड़के और हैं जो उस पूरी टीम में रह रहे हैं और अलग अलग जनपद में जाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का इस मामले में ये भी कहना है कि हम
दूसरे लोगों के ऊपर भी निगाह बनाए रखे हैं और जल्द ही एक बड़ा खुलासा करते हुए गैंग के सारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अनुज, आपने बताया कि 15 से 20 जो युवक है इस पूरे गिरोह में शामिल होने की बात सामने आई है, तो उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अब तक क्या अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है, क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से आरोपियों को धर दबोचा जाएगा? इस पूरे प्रकरण में जहां पुलिस एक तरफ ये दावा कर रही है कि मैं दूसरे अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी करने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन जब पुलिस की कार्यशैली की तरफ अगर हम निगाह उठाते हैं कायनात, तो वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को जो कि उठाया था और उनके ऊपर मामूली धाराएं लगा करके इनको जेल भेज दिया गया, और मामूली धाराओं के अंतर्गत अब ये अपराधी जो कि संज्ञान में आया है कि ये अपना जमानत करवा के न्यायालय से बाहर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जो पुलिस ने ये बात कही कि हम अन्य अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक जाल बना रहे हैं, तो ऐसा पुलिस की तरफ से जमीनी स्तर पर कहीं देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ मीडिया को बरगलाने के लिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी शायद में चल रही है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से गंभीर धाराओं की जगह एक मामूली धारा लगाई, दो मामूली तीन मामूली धाराएं लगा करके अपराधियों को जेल भेज दिया, इतना पुलिस का कहना है। फिर पुलिस की जो है लज्जर कार्रवाई और रवैया जो है सामने आया है। बहुत शुक्रिया अनुज तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की टीम ने पटना में लालू प्रसाद यादव के घर छापेमारी की। सीबीआई ने पटना के अलावा दिल्ली, रांची, पुरी, गुड़गांव समेत लालू के 12 ठिकानों पर तलाशी ली है। रेल मंत्री टेंडर में हेराफेरी के आरोप में सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोप लगाते हुए कहा कि 2006 में उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बीएनआर ग्रुप के होटलों के रखरखाव का जिम्मा एक प्राइवेट फर्म को दे दिया और बदले में जमीन ले ली। इस मामले में तत्कालीन आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी और प्राइवेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स के घर भी सीबीआई की तलाशी ली गई। इस मामले में सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव और सरला यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की है। इस कार्रवाई से भड़के लालू यादव ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, नियम के तहत ही ठेके दिए गए, आईआरसीटीसी के होटलों के ठेके में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी सरकार को वो हरा कर ही दम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंकों को दिए जाने को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल आईआईटी ने केमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक और गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस अंक दिए हैं, जो सभी को दिए गए हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस अंक को चुनौती देते हुए मांग की है कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए। याचिका में कहा गया है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी ग्रेस अंक दिए हैं जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है, जबकि ग्रेस अंक सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए जिन्होंने इन सवालों को छोड़ने की बजाय हल करने की कोशिश की है। छात्र के मुताबिक इन ग्रेस अंकों की वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है और बहुत से छात्रों पर फर्क पड़ा है, इसलिए दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ सिंह कोविंद का 8 जुलाई को भोपाल दौरा होगा। इसके लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी सांसदों को अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए बीजेपी के साथ साथ प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार कोविंद दोपहर 12 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो सीएम आवास जाएंगे, जहां वो बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एक भोपाल में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माननीय रामनाथ जी कोविंद भोपाल आ रहे हैं। स्टेट हैंगर पे उनके भव्य स्वागत के लिए संगठन महामंत्री जी और हम बैठकर सभी से चर्चा की। उसी दिन सभी विधायक और सांसद भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी सभी अनिवार्य रूप से पहुँचे, इसलिए सबसे बातचीत की। मुख्यमंत्री निवास पर सारे विधायक दल के साथ, सांसदों के साथ माननीय रामनाथ जी बैठेंगे। उसके पश्चात कुछ लोगों से
प्रतिनिधियों से वो मिलेंगे, बंद कर दो प्लीज। फिर एक घंटा सुषमा स्वराज जी के यहाँ वो एक घंटा वहाँ पर बिताएंगे। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हर दिन गायों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ के तितरड़ी इलाके में नगर निगम की गौशाला में पिछले 6 महीनों में 150 गायों की मौत हो चुकी है। बता दें कि तितरड़ी में लावारिस गायों को पालने के लिए नगर निगम ने गौशाला बनाई थी। करोड़ों की लागत से बने इस काइन हाउस में बड़ी संख्या में गायों का पालन चल रहा है, मगर पिछले कुछ महीनों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि गौशाला में देखभाल का अभाव और गायों को चारा देने की लापरवाही के चलते वो मौत का शिकार हो रही हैं। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में 150 से ज्यादा गाय और बछड़े दम तोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को फिर से तनाव के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच उत्तर 24 परगना जिले के हिंसा प्रभावित बादुरिया इलाके में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के बादुरिया में सांप्रदायिक झड़पों के बाद बशीरहाट कस्बे और स्टेशन क्षेत्र में फिर से तनाव कायम हो गया है। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस और बीएसएफ की टीमें इलाके की तरफ तुरंत रवाना की गई हैं ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का पता अब तक नहीं लग सका है कि क्या पुलिस कार्रवाई में कोई व्यक्ति हताहत भी हुआ है या नहीं। सिक्किम की सरहद को लेकर भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच इस बढ़ते तनाव का प्रभाव आर्थिक रिश्तों पर भी पड़ने की आशंका है। भारत के बड़े बाजार पर नजर लगाए बैठे चीन को अब व्यापार को लेकर चिंता सताने लगी है। इसकी झलक चीन सरकार द्वारा नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स और मीडिया की खबरों में भी सामने आई है। भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को चेताया गया है कि सरहद पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होने की संभावना है। चीनी मीडिया के अनुसार भारत के लोग अपने देश की संप्रभुता को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में चीनी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के शाहजहांपुर के नगर पालिका परिषद में उस वक्त जमकर हंगामा देखने को मिला जब एक ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के एक लिपिक की पिटाई कर दी। ठेकेदार ने लिपिक की पिटाई करते हुए उस पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद की हैं। ये तस्वीरें उस घटना के बाद की हैं जिसने नगर पालिका परिषद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद में लगातार गोपनीय ढंग से विकास कार्यों का टेंडर किया जाता है। विकास कार्यों का टेंडर लेने के लिए इस बार भी ठेकेदार ज्ञानेंद्र यादव, पुनीत अवस्थी और अन्य लोगों ने आवेदन किया था। टेंडर नहीं मिलने पर ठेकेदारों ने नाराजगी जताई। नाराज ठेकेदारों ने वहां मौजूद लिपिक अनुज गुप्ता की पिटाई भी कर दी। शौचालय निर्माण कार्य के टेंडर थे नगर पालिका शाहजहांपुर में, जिसका समय 2 बजे तक था। 2 बजे के बाद यह ज्ञानेंद्र यादव अपने कुछ 5-6 साथियों सहित आए और टेंडर न मिलने पर हमने मारा पीटा और मेरी चपरासी सोमवती जी मेरे साथ में थी, उनको मारा पीटा। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस में कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दी है। शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद, ये तस्वीरें सूबे की कानून व्यवस्था को बयां करने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सूबे में लोगों को कानून का कितना डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल लाइव। हमारे बड़बोले राजनेता कब क्या बयान देते इसका अनुमान तक लगा पाना मुश्किल है। जिस तरह से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है और उसके जवाब में उससे भी बड़ी बदजुबानी का फैशन अब आम हो चुका है। कुछ लोगों के मुंह में बाबा सिर है, उनका कोई इलाज नहीं है। ये हाल कहीं और का नहीं, हरदोई का है, जहाँ आज प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री और हरदोई जिले के प्रभारी मंत्री
जीएसटी के बारे में व्यापारियों और आम जनता की जिज्ञासाएं शांत करने और उसके लाभ समझाने आए थे, लेकिन कार्यक्रम के बाद नेताजी की जुबान कुछ ऐसी फिसली कि सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों के मुंह में बाबा सिर है, उनका कोई इलाज नहीं है। आइए जरा एक बार फिर से सुनते हैं कि मंत्री जी के क्या विचार हैं। कुछ लोगों के मुंह में बाबा सिर है, उनका कोई इलाज नहीं है। दरअसल पत्रकारों के सवालों के जवाब में मंत्री जी ने सेना के बारे में समाजवादी नेता आजम खान द्वारा अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कुछ लोगों के मुंह में बाबा सिर है, उनका कोई इलाज नहीं है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मंत्री जी की जुबान क्या लोकतंत्र की जुबान बोल रही है, या इसको यूपी सरकार की मर्यादित भाषा मान लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल लाइव। राजस्थान के धौलपुर में 22 वर्षीय विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जहर देकर मारने की कोशिश की है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। विवाहिता की मौत के बाद से ससुराल वाले घर से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 13 दिसंबर 2015 गौरव श्रीवास्तव से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही शिखा का पति गौरव श्रीवास्तव और उसके परिवार वाले 1,00,000 रुपयों की उससे मांग करने के साथ मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मना करने पर ससुराल वाले उस पर शारीरिक और मानसिक दबाव बना रहे थे। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। कल शाम को मेरी भतीजी की ससुराल से फ़ोन आया था कि आप एक घंटे के अंदर आ जाइए कि बेटी की तबीयत ख़राब है। तो हम लोग आए, उसके कुछ देर बाद ही फ़ोन आ गया था कि आपकी भतीजी ख़त्म हो चुकी है। तो हम और जल्दी आए तो हमें यहाँ पोस्टमार्टम में बॉडी मिली, घर में ताला लगा। यूपी के एटा में किन्नर राधा रानी के चर्चित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इस हत्या और लूट कांड के मास्टरमाइंड किन्नर शीतल के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से लूट का सोना और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार यह हत्या पदवी को पाने के लिए की गई थी। दिन में एक किन्नर गुरु राधा की हत्या की गई थी और रात दोपहर बाद के टेप लगा दिया गया था और उसके घर से सामान भी लूट हो गई थी। इस संदर्भ में जो घटना अभी तक अनावरित हुई है उसमें यह आया है कि उन्हीं के यहाँ साथ रहने वाले किन्नर शीतल ने षड्यंत्र को अंजाम दिया था। 1 महीने पहले उन्होंने अपने कुछ लोगों से ऐसी बात की थी कि इस संदर्भ इसकी हत्या कर दी जाए, मुझे गलती मिल जाएगी, बाकी लूट का सामान आप ले सकते हो। हमीरपुर जिले सुमेरपुर मंडी NH 86 के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल 2 युवकों को स्थानीय निवासियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि 3 युवक अपने रिश्तेदार की शादी से शामिल होकर लौट रहे थे, तभी इनका एक्सीडेंट हो गया, जिस दौरान हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 घायलों का इलाज अभी जारी है। वहाँ पे उठने के रहने वाले और में हुआ है। कैसे थे आप लोग? हम मोटरसाइकिल से थे और वहाँ पे ट्रक से हुआ, हम बाइक से थे। मतलब डेड बॉडी कैसे लेकर के आए यहाँ पर? क्या जो लड़का आपके साथ ख़त्म हो गया वो कैसे आया यहाँ पर? यहाँ पे आप ही से आया। ये अभी SI एक डेड बॉडी ले आया, इसमें पता चला क्रश इंजरी पूरा है, हेड इंजरी पूरा हो गई, क्रश हो गया है पूरा हाथ पे, ऐसा लग रहा है कोई व्हीकल उसके ऊपर से गुजर गई है। यहाँ जब लाए थे तो मृत अवस्था में लाए गए थे। उनका नाम मंतोष है, 23 इयर्स एज है, कुटिया गांव है, कबरई महोबा के पास। सर और 2 लोग भी घायल हुए हैं, वो भी आए हैं जिला अस्पताल? हाँ, 2 लोग और आए हैं, उनका इलाज हम लोगों ने किया, वो सुरक्षित। आगरा के ककुआ गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सबरी महिला विद्यालय सिखड़ी में बीटीसी के परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर पैसे लेकर नकल कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि परीक्षा कक्षा संख्या 8 में कॉलेज प्रबंधन सुविधा शुल्क लेकर कुछ परीक्षार्थियों को नकल करा रहा था। यही नहीं, उन्होंने आपत्ति जताने पर उनके साथ मारपीट किए जाने की भी बात कही, जिससे नाराज होकर उन्होंने सिखड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने कार्रवाई करने की बात कही है। शिकायत आई थी कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है कुछ अनुचित गतिविधियों में संलग्न है और इसलिए वहाँ के छात्रों ने थोड़ा हंगामा किया और तत्काल से फोर्स भेज कर उसको देखा गया। और अभी डाइट के प्रिंसिपल का चार्ज हमारे एक प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनके पास से मैंने उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनको भेजा है कि वहाँ शबरी कॉलेज दुल्लभपुर जाकर जाँच कर लें और इसमें यदि मैनेजमेंट का कोई गलती पाया जाता है तो हम सब। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान तक पहुंचने लगी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नदी से लगे गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि नेपाली नदियों के पानी छोड़े जाने पर हालात भयावह हो सकते हैं। लगातार पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते घाघरा नदी उफान पर है। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार प्रति सेंटीमीटर हर घंटा बढ़ता जा रहा है। इस समय घाघरा का जलस्तर 105.106 सेंटीमीटर है, जो अभी फिलहाल तो खतरे के निशान से नीचे है। फिलहाल ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपना सामान सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि घाघरा के बढ़ते फैलाव से किनारों पर मिट्टी का कटान लगातार जारी है। बाराबंकी में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। पहली बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी हैं और ऑडिटोरियम टापू बनता जा रहा है। वैसे तो योगी सरकार ने प्रदेश भर में गड्ढा मुक्त सड़क करने का आदेश दिया था, आदेश पर काम भी तेजी से किया गया, लेकिन मौसम की पहली बरसात ने गड्ढा मुक्त सड़क की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। गड्ढे तो भरे पर पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहर की मेन मार्केट को जोड़ने वाले रास्ते पर दोनों तरफ बरसात का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। जलभराव की समस्या तो लोगों की दिक्कतें बढ़ा ही रही है। वहीं दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में बने ऑडिटोरियम चारों तरफ केवल पानी ही पानी से भरे हुए हैं। ऑडिटोरियम तालाब की शक्ल ले चुका है। पिछले 5 साल में ये सड़क नहीं बना पाने तक अब तक चुनाव का समय है तो बरसात में ही सड़क खोद डाली गई है। पिछले 4 दिनों की भारी बारिश ने जिले में कई गांव में लोगों के सामने बेघर होने के हालात पैदा कर दिए हैं। मिर्जापुर के मडिहान इलाके के उत्तर देवरी गांव में भीषण बारिश की वजह से बांध का पानी गांव में घुस गया है, जिससे गांव में पानी की वजह से दर्जनों घर गिर गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। बेघर लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से खाना दिया जा रहा है। वहीं सदर तहसील के अकोड़ी गांव में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पटेहरा में भी पानी की वजह से कई घरों में तबाही मच गई है। लालगंज तहसील क्षेत्र के मेवड़ी वामी गांव के साथ कई और गांव में भी पानी भरा हुआ है। कई गांव से संपर्क भी टूट चुका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बाढ़ से संबंधित व्यवस्था करनी चाहिए। अचानक करीब 11 बजे से बारिश बहुत तगड़ी हुई और सब सोए थे और अचानक पानी बहुत दूर का पानी आया। बाढ़ सागर में 2 नदियां हैं, दोनों नदियों में जो पुल बना है बहुत सकरा है, पानी पूरा निकल नहीं पा रहा है। पानी रुकने की वजह से पूरी बस्ती बुड़ गई, करीब 50 घर नुकसान। प्रशासन जो व्यवस्था करे, उनके पास कुछ रह नहीं गया, सब खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। तो ऐसे में जो अब क्या कहें साहब, इसमें से हम इससे पूछना की बात नहीं है, कैसे पूछा जाए, अब हम लोग कैसे जिएंगे। गेहूँ चावल मटर सारा व्यवस्था तो हमारा लोग का सब तो खत्म हो गया है। होजाई के एजवार बारी पंचायत में स्थानीय लोगों ने पंचायत के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। एजवार बारी पंचायत में 10 लाख रुपए घोटाले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने 800 मीटर गांव के रास्ते बनवाने को लेकर प्रदर्शन किया और लोगों ने पंचायत के प्रेसिडेंट के खिलाफ घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही लोगों ने प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर काकी थाना में ज्ञापन भी सौंपा है।
यूपी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी का सामने आया, जहां रोडवेज की बस में जमकर बदमाशों ने लूटपाट की। यही नहीं, बेखौफ बदमाश बाहर 12 किलोमीटर बस में चलते रहे और थाना बसगवा इलाके में उतरकर फरार हो गए। चलती बस में कई यात्रियों को हथियारों से घायल कर 28,000 की नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये उचौलिया चौक के क्षेत्र में जो बरेली से लखनऊ जाने वाली बस में कुछ बदमाश बैठ गए थे और उन्होंने बस कंडक्टर के साथ मारपीट करके कुछ रुपए छीनने की बात प्रकाश में आई है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। मूल रूप में जो FIR के मुताबिक जनपद शाहजहांपुर की घटना है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंजर्ड हालत में आया था तो उसको विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल में ग्रामीणों को पानी की सुविधा के लिए गांव में लगाए गए सरकारी हैंडपंपों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। बताया जा रहा है कि गांव में लगे 30 सरकारी हैंडपंपों में से 20 हैंडपंप पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और दबंग सरकारी हैंडपंप में समर्सिबल मोटर लगाकर उसका निजी उपयोग कर रहे हैं। गाँव के लोग हैंडपंप से पानी ना ले सके, इसके लिए दबंगों ने हैंडपंपों की बाउंड्री कर रखी है। ज्यादातर लोगों के घर में हैंडपंप नहीं है, पानी के लिए ग्रामीण सरकारी हैंडपंप पर ही निर्भर है। दबंगों का ग्रामीणों पर खौफ इतना है कि सामने आकर शिकायत करने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पा रहा। नेशनल लाइव को जानकारी मिलने के बाद संभल के CDO ने ब्लॉक बनियाखेड़ा के अधिकारियों को सरकारी हैंडपंपों से अवैध कब्जों को हटाकर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने खंड विकास अधिकारी से बात की, अभी आप संज्ञान लाए मेरे, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव में जा करके इसको देख लें, अगर इस तरह का है जो है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें और फिर फोर्स भेज करके इसको ठीक कराया जाएगा, उनको हटवाया जाएगा सब। मथुरा थाना हाईवे के NH2 पर एक बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसे में स्कूटी पर सवार दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पटना में पीर दमरिया घाट इलाके से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के पाउच के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र से शराब का पाउच लाया जाता है और उसे बाइक से शराब की डिलीवरी दी जाती है। इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने शराब के पाउच के साथ रंगे हाथ दोनों कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया है दो और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो क्या मोटरसाइकिल से कारोबार चल रहा था? हाँ, मोटरसाइकिल से कारोबार चलता, उसका भी सेक्शन हमने बैठाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।